Assalamu alaikum all of you how are you kids i hope you are enjoying yourself and read and write all chapters and exercise at home now today we read our new lesson chapter number 17 weather weather means mausam awesome. look here the weather does not always remain the same it changes फ्रॉम डे टू डे वेदर यानि मौसम मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता इट चेंज फ्रॉम डे टू डे वो रोज बदलता रहता है ऑन अ सनी डे ऑन अ सनी डे सनी डे मीन्स समर डे यहां सनी डे कहा गया है समर सीजन को ओके okay? जब सूरज बहुत तेज होता है द सन शाइन्स ब्राइटली सूरज चमकता है बहुत तेज ब्राइटली द वेदर इज हॉट मौसम कैसा होता है गर्म होता है वी लाइक टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स हम पसंद करते हैं वी लाइक like, हम पसंद करते हैं खाना एंड ड्रिंक पीना कोल्ड थिंग्स ठंडी चीज़ें हाँ लाइक आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स लस्सी और शुगर कैन जूस मीन्स गन्ने का शरबत, हाँ ये सब चीज़ें हम और शरबत हाँ ये सब चीज़ें हम समर सीजन में खाना और पीना पसंद करते हैं यू ऑल्सो लाइक किड्स वी वी आर कॉटन क्लॉथ्स ऑन आ डे और हम कौन से कपड़े पहनते हैं कॉटन के कपड़े पहनते हैं कॉटन कहाँ से मिलता है प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कॉटन कहाँ से मिलता है हमें कॉटन क्लॉस कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है कहाँ से मिलता है कॉटन प्लांट से मिलता है देखिए फोटो सनी डे ये फैन ऑन है यहाँ एसी लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर आ है सन ब्राइटली चमक रहा है बाहर पापा बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके हाथ में क्या है कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल यहाँ भी रखी हुई है टेबल पे ये बच्चे के पास में कोल्ड ड्रिंक है क्योंकि हॉट है बाहर गर्मी ज़्यादा हो रही है हाँ ये बच्ची पढ़ रही है तो पूरा सनी डे जैसा होता है वैसा अभी हम समर सीजन को ही इंजॉय कर रहे हैं बच्चों अभी जो चल रहा है गर्मी बढ़ चुकी है विंटर हैड गॉन सर्दी जा चुकी है और गर्मी बढ़ना शुरू हो चुका है पंखे कूलर स्टार्ट हो चुके हैं घरों में ओके तो हमने ये किस बारे में पढ़ा सनी डे मीन्स समर सीजन के बारे, बारे में पढ़ा। फरवरी मार्च अप्रैल एंड मे आर समर्स मंथ्स, ओके? नाउ मूव। ऑन अ कोल्ड डे ऑन अ कोल्ड डे सन रेज आर नॉट वेरी हॉट अब सर कोल्ड डेज मीन्स किसे कहा गया है कोल्ड डेज विंटर को विंटर सीजन को कोल्ड डेज कहा गया है ठंडे दिन कब होते हैं विंटर सीजन में ऑन अ कोल्ड डे द सन रेज आर नॉट वेरी हॉट जो सूरज की रोशनी जो सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती द वेदर इज़ वेरी चिली चिली मीन्स ठंडा ओके okay? मौसम कैसा होता है बहुत ठंडा होता है बहुत ठंडी पड़ती है वी लाइक टू ईट एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स हमें खा, गर्म खाना और गर्म चीज लाइक कॉफी चाय है ना टी कॉफी ये पीना पसंद करते हैं हम इस मौसम में ठंड के कोल्ड We डे और हम कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं उलन क्लॉथ्स उलन किससे मिलता है हमें शिप से उल शिप के हेयर होते हैं उसके हेयर कट करने के बाद ऊल मिलता है और ऊल से फिर उलन क्लॉथ्स बनते हैं देखिए कोल्ड डे ये फादर बैठे हैं, पप्पा बैठे हैं, रीड करते हैं बुक इनके आंग में उलन कोट है बड़ा सा हम्म ये बच्ची खेल रही है यहाँ इसके आंग में स्वेटर है ऊपर उलन की हेड है ये बच्चे के सर पे उलन कैप है सूट स्वेटर है यहाँ मम्मी स्वेटर बुन रहे हैं आग तापी जा रही है यहाँ ये सब कैसा होता किन किन दिन में होता है कोल्ड डेज में होता है यानी विंटर सीजन में होता है ओके okay? देन रेनी डे अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे रेनी डे रेनी डे मीन्स बरसात का मौसम ओके ऑन आ रेनी डे द स्काई इज क्लाउडी रेनी डे में क्या होता है बरसात में क्या होता है अक्सर आसमान बादलों से ढका होता है वी कैन नॉट सी द सन हम सूरज को नहीं देख सकते वी यूज अम्ब्रेलास रेनकोट्स एंड गम बूट वेन इट रेन समटाइम्स वी सी आर रेनबो इन द स्काई देखिए ये दो बच्चे जा रहे हैं डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे हैं आपको काले काले गहरे बादल आए हुए हैं। और इनसे क्या हो रही है रेन रेनफॉल हो रहा है ये बादल से बरसात हो रही है हम्म ये दो बच्चे जा रहे हैं ये बच्ची के पास अम्ब्रेला है कलरफुल अम्ब्रेला है और गम्बूट भी पहने हैं इसने ये बच्चे के हेड पहना है बच्चे ने और रेनकोट यूज़ किया है इसने रेनकोट पहना है क्योंकि बरसात हो रही है गम बूट इसने भी यूज़ किया है यहाँ दो लोग और जा रहे हैं दूर कहीं उनके पास में भी अम्ब्रेला है तो इन रेनी डेज में सूरज नहीं दिखाई देता बादलों से ढका होता है आसमान और हमको ये सारी चीज़ें पहनना पड़ता है जब बरसात आई थी और हम बाहर गए तो आँ और समटाइम्स क्या होता है हमें रेनबो भी दिखाई देती है आसमान पे हाउ मैनी कलर्स इन रेनबो बच्चों जब बहुत तेज हवा चलती किसी किसी दिन होता है ना सुबह से बहुत तेज हवा चलती रहती है स्ट्रॉन्ग ब्लो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग बोले तो बहुत तेज हवा बहना शुरू रहती है इट कैन समाइम्स ग्रो टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग और ये हवा कभी कभी क्या करती है तूफान लेकर आती है तूफान आता है ये ज़ोर से जो हवाएं चलती है उससे द ट्रीज कीप स्विंग ट्रीज क्या करते हैं ज़ोर जोर से हलते हैं जोर जोर से समटाइम्स द ट्रीज फॉल और कई बार तो ट्रीज गिर भी जाते हैं फॉल बोले तो गिर जाते हैं वी शुड नॉट गो आउटडोर ऑन आ वेरी विंडी डे और हमें क्या करना चाहिए ऐसे जब विंड वाला दिन है बहुत तेज़ हवा बह रही है बिजलियाँ चमक रही है तो ऐसे वक़्त बाहर नहीं जाना चाहिए ओके देखिए यहाँ देखिए ये हवा अचानक से शुरू हो गई ये बच्ची की अम्ब्रेला भी पूरी तरह से झुक गई है हवा के फ्लो में और ये देखिए ये पेड़ ये ट्री कितनी ज़ोर से झुका हुआ है ये विंडी डे है ये अक्सर कब होता है बच्चों रेन स्टार्ट रेनी सीज़न स्टार्ट होने के पहले मई और जून में अक्सर ऐसे तूफान आते रहते हैं ओके तो टेक केयर ऐसे मौसम में बाहर हमें नहीं निकलना है जहां तक हो सके अगर अचानक शुरू हो गया तो अलग बात है लेकिन अगर मौसम खराब है तो आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि इस, इस वक्त लाइटनिंग का भी बिजली गिरने का भी बहुत डर होता है ओके पॉइंट टू पॉन्डर अब हमने क्या पढ़ा द तो वेदर चेंजेस एवरीडे मौसम हर दिन बदलता है देखिए अभी भी दोपहर तो में तेज़ गर्मी हो रही है मॉर्निंग में नाइट में थोड़ा ठंड पड़ रही है हुँ? और कभी बादल आ जाते हैं आसमान पे, किसी दिन तेज़ हवा चलती है तो हर दिन मौसम बदलता है द वेदर कैन बी कोल्ड हॉट विंडी और रेनी देखिए वही बात कहा है यहाँ वेदर कभी ठंडी हो जाती, कोल्ड मीन्स ठंडा हॉट मीन्स बहुत गर्म विंडी मीन्स हवादार और रेनी मीन्स पानी कभी पानी आ जाता है कभी तेज़ हवा चलती है कभी बहुत गर्मी होती है कभी ठंडी होती है तो वेदर चेंज होते रहता है डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन डार्क क्लाउड्स काले बादल काले गहरे घने बादल से क्या होता है बरसात होती है और जो वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं उनसे बरसात नहीं होती लेकिन जो डार्क होते हैं जो काले गहरे बादल आते हैं अक्सर रेनी सीजन में बरसात के दिनों में जो आते हैं डार्क ब्लैक कलर के बादल उससे क्या होती है रेन होती है रेन फॉलिंग होती है तो बच्चों यहाँ हमने अपना वेदर वाला लेसन कंप्लीट किया आपने सभी वेदर्स के बारे में पढ़ा कोल्ड डेज़ के बारे में पढ़ा विंटर के बारे में पढ़ा हॉट डेज मीन समर के बारे में विंडी डेज़ के बारे में पढ़ा और रेनी सीजन के बारे में पढ़ा हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं क्या खाते हैं ये सभी इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए ध्यान दीजिए अपने सेहत का टेक केयर योरसेल्फ। सेल्फ अल्लाह हाफिज़